الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. मेरे मज़ मुसलमान बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, एक अमल, एक नेकी ऐसी बढ़िया है जो सारी ज़िंदगी को खुशगवार कर सकती है। एक अमल, एक इबादत, एक नेकी ऐसी बढ़िया है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी खुशगवार बना सकती, न सिर्फ दुनिया बल्कि आखरत भी। ऐसी बढ़िया इबादत है, ऐसी शानदार नेकी है, ऐसा बढ़िया अमल है, सारी ज़िंदगी खुशगवार हो सकती। सारी ज़िंदगी खुशगवार हो सकती है। आज सब कुछ है, नहीं है तो ज़िंदगी खुशगवार नहीं है। बाकी सब कुछ है, अगर नहीं है तो ज़िंदगी खुश नहीं, यहाँ इत्मीनान नहीं है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, दर्द भी होता है, लेकिन मरीज मुतमईन होता है। ऑपरेशन कर रहा होता है, दर्द भी हो रहा होता है, लेकिन मुतमईन भी होता है। सुभान अल्लाह। ये अमल ऐसा है कि जिंदगी में दर्द भी होगा लेकिन जिंदगी की खुशगवारी में फर्क नहीं आएगा। जिंदगी में कुछ दुख और गम भी आएंगे लेकिन जिंदगी की खुशगवारी में फर्क नहीं आएगा। हाथ काट देता है, दिल चीर देता है, कलेजा बाहर निकाल देता है, दिल बाहर निकाल देता है, लेकिन ठीक है, ये सब ठीक, ये सारे खतरात अपनी जगह, लेकिन दिल फिर भी मुतमईन, क्योंकि उसे जानता है और उसे पहचानता है, उसकी मार्फत है, उसे जानता है। और कोई अजनबी आदमी सुई चुबो दे, लड़ने लग जाए, कोई अजनबी आदमी सुई चुबो दे, लड़ने लग जाए, जानता जो नहीं है उसे, पहचानता जो नहीं है, इसलिए बेचैन हो गया। अजनबी आदमी सुई चबो दे, बेचैन हो जाए, परेशान हो जाए, लड़ने लग जाए। और कोई जानने वाला डॉक्टर है, सीना चीर दे, कलेजा निकाल ले, दिल निकाल ले, फिर भी मुतमईन, जानता जो है। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, ये ऐसी बढ़िया नेकी है, ऐसी बढ़िया इबादत है, ऐसी बढ़िया अमल है, अगर नसीब हो जाए सारी जिंदगी खुशगवार हो जाए। जिंदगी का ये सफर इत्मीनान से गुजरने लग जाए। यही तो वो अमल है। शैतान कहता है, मेरी दुश्मनी का जब मुजाहिरा होगा, मेरी दुश्मनी का इंसान से जब मुजाहिरा होगा, तो उसका नतीजा यह हो कि इसकी जिंदगी में यह इबादत नहीं रही। शैतान की दुश्मनी का सबसे बड़ा अमल, इस इबादत से मारूं, इस अमल से मारूं, इस नेकी से मारूं। और वो नेकी क्या है? शुक्रगुजारी, एहसान शनासी। शैतान कहता है, लआतियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन।
मेरी दुश्मनी का मुजाहरा इस इंसान से ये होगा कि इसकी जिंदगी में शुक्र नहीं रहेगा। ये ऐसी बड़ी बुराई है और ये इंसान की जिंदगी की इतनी बड़ी खामी है, ये इतना बड़ा अल्लाह का अल्लाह की नाफरमानी है कि जिंदगी का सुकून रुखसत हो जाता। जिंदगी का सुकून नहीं रहता। फकफरत भी अनोमिल्ला फअदा कहल्लाहु लिबास अल्जुई वल खौफ। फरमा इस दुनिया में नशुकरी की सजा ये मिलेगी, मईशत की तंगी, रिस्क की तंगी, माश की परेशानी और साथ साथ दिल हमेशा बेचैन और खौफजदा। फकफरत भी अनोमिल्ला फअदा कहल्लाहु लिबास अल्जुई वल खौफ। इस नशुकरी की इस दुनिया में सजा ये मिलेगी, माश की तंगी, मईशत की परेशानी, रिस्क की रुकावटें और दिल परेशान और खौफ जदा। फअदा कहल्लाहु लिबास अल्जुई वल खौफ फकफरत भी अनोमिल्ला। तो ये ऐसी बढ़िया इबादत है, एहसान शनासी, शुक्र गुजारी। सुभान अल्लाह, जिंदगी खुशगवार हो जाती जब ये नसीब हो जाए ना, तो अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती, अल्लाह की मार्फत मिल जाती, पहचान हो जाती। और जब पहचान हो जाती है, मेरे अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों, डॉक्टर की तरफ से भी तकलीफ पहुंचती है, बस औकात उंगली कटती है, बस औकात सीना कटता है, लेकिन दिल मुतमैन रहता है, दिल मुतमैन रहता है। दिल बेचैन परेशान उसी वक्त होता है, मायूस उसी वक्त होता है जब तकलीफ देने वाले की पहचान नहीं होती। मुतमईन रहता है, दर्द भी हो रहा है, इत्मीनान भी है, तकलीफ भी हो रही है, मुतमईन भी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें शुक्र की जिंदगी नसीब हो जाए, नसीब फरमा दे, शुक्र की हकीकत नसीब हो जाए, जिंदगी खुशगवार हो जाए। मेरे अजीजों, डालो अपनी औलादों को शुक्र पे, घरों से मायूसियां खत्म होंगी, जिंदगियों से डिप्रेशन खत्म होगा, जिंदगियों में खुदकुशियां नहीं रहेंगी। मैं कल रिपोर्ट देख रहा था, जापान में एक साल में 26,000 आदमी खुदकुशियां करते हैं, एक साल। वहां माशी परेशानी कोई नहीं, बजाहिर अमनो अमान, बजाहिर हर आदमी को जिंदगी के सहूलियात मुयसर, लेकिन जब उनकी जिंदगी में नागवारी आती है तो चूंकि उन्हें पहचान नहीं कि आई कहां से, मायूसी की उस कुएं में गिरते हैं कि आदमी मरने के लिए तैयार हो जाता है। और सुभान अल्लाह, कोई कोठी में रहे या झोंपड़ी में रहे और दिल शुक्र की हकीकत से आशना हो जाए और उसे उस शुक्र की बरकत से अल्लाह की मार्फत और मोहब्बत नहीं मिल जाए, तो झोंपड़ी में भी जन्नत के मजे ले सकता है। छोटी सी जिंदगी के नक्शे में भी जिंदगी का लुत्फ ले सकता है। शुक्र की इबादत, शुक्र की जिंदगी, शुक्र का अमल। औलादों को शुक्र पे डालो, जो हर वक्त दिलो जबान से एक नशुकरी की कैफियत है, बाप की नशुकरी, माँ की नशुकरी, बड़ों की नशुकरी और मोहसिन हकीकी की नशुकरी, इसने जिंदगी अजाब बना दिया। मियां बीबी की जिंदगी में नशुकरी, बाप बेटे की जिंदगी में नशुकरी, बेटी माँ की जिंदगी में नशुकरी, बंदे और मौला की जिंदगी में नशुकरी। हर मोहसिन के साथ एहसान फरामोशी, हर मोहसिन के साथ एहसान फरामोशी है। और सच यह है, जब मोहसिन हकीकी के एहसान फरामोशी होगी तो फिर बंदों जैसे मोहसिन कहां दिल में बैठेंगे।
फिर अपने जमीन पे रहने वाले मोहसिनों की कहां कदर होगी। ऐसी एहसान फरामोशी है। इबादत भी आसान, इबादत भी बड़ी मजे की और इनाम भी बड़ी बड़ी बहुत बढ़िया। अजीदन्नकुम, शुक्र करोगे और दूंगा, शुक्र करोगे नेमते महफूज कर दूंगा, शुक्र करोगे अजाब कभी नहीं दूंगा। मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, नहीं अजाब दूंगा तुम्हें। अगर जमीन वाले अल्लाह का शुक्र करने लगे और अल्लाह की नेमतों पे शुक्र गुजारी आ जाए, जमीन पर अल्लाह का अजाब आफत नहीं आएगा, अजाब नहीं आएगा। ये अल्लाह का पैगाम है, ये अल्लाह का वादा है। शुक्र की जिंदगी हो, जिंदगी भर खुशगवार रहेगा और अंदर से हमेशा मुतमइन रहेगा। शुक्र की जिंदगी है। लेकिन शैतान की दुश्मनी है, शैतान की दुश्मनी है। उसने सोच ऐसी बना दी, जहनियत ऐसी बना दी, ख्यालात ऐसे बना दिए कि नजर वहीं जाती है जो नहीं है, और जो लाखों करोड़ों नेमतें इस्तेमाल करता है वो नजर ही नहीं आती। वो ऐना की तोड़ दी उसने, जो लाखों नेमतें हैं उसमें नजर ही नहीं जाती। और जिंदगी न शुक्री पे है, और जिंदगी न शुक्री की न हुजत है, बंदिश कर दी, बंदिश। इसने अपनी जिंदगी के लिए बंदिश कर रखी है और खुद कर रखी है। और जो नेमते हैं उनके उनसे भी लुत्फंदोज होने से, उनसे फायदा उठाने से, लुत्फ लेने से, राहत लेने से, सुकून लेने से महरूम है। न शुक्री जो है, इसलिए कि अल्लाह का यह भी ऐलान है, वला इन कफर तो, न शुक्री करोगे सजा भी आएगी। फकफरत बिअनुमिल्ला, न शुक्री की इन्होंने, मैंने इन पे रिस्क तंग कर दिया, माश के रास्ते तंग कर दिए, मईशत की रास्ते मुसीबत बना दिए और दिल बेचैन और खौफ ज्यादा कर दिए, सुकून न रहा। तो मेरे अजीजो, जिंदगी घरों में शुक्रगुजारी पे लेके आओ, पहचानो अपने अल्लाह को। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह, जो कुछ मिला है कहां से मिला, अल्लाह की तरफ से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाकया अपनी उम्मत को बताया, फरमाया चंद दो तीन लोग थे, एक सर से बाल से मारूम था, बाल कोई नहीं आते थे, दूसरा का जिस्म दागदार था, सफेद सफेद दाग थे, तीसरा आंखों की बिनाई से मारूम था। इनकी अजमाइश इम्तिहान हुई कि शुक्र कितने करते हैं, शुक्र कितने करते हैं। अल्लाह का फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, हालत पूछी, हर एक ने अपना रोना रोया, कोई बिठाता नहीं, कोई साथ रखता नहीं, जिंदगी ठोकरों से गुजर रही है। अल्लाह के फरिश्ते ने दुआ की, माशी हालत भी अच्छी हो गई, बाल भी आ गए, जिस्म भी ठीक हो गया, बिनाई भी वापस आ गया, तीनों की हालत माशी तौर पे अच्छी हो गई। वक्त गुजरता रहा, जिंदगी गुजरती रही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, फरिश्ता फिर इंसानी शक्ल में, अब पूछा, एक से पूछा कैसी हालत है, कुछ अल्लाह का भी हक अदा करते हो इन नेमतों में, कहा अल्लाह का हक, हम तो खानदानी रईस हैं, खानदानी रईस हैं, हमारे तो अबाओ अजदाद उनकी दौलत थी। दूसरे ने भी इसी किस्म के खुराफात कहे, फरिश्ते ने कहा अल्लाह ने अल्लाह तुम्हें उसी हालत पे कर दे जिस हालत में तुम पहले थे। दोनों की जिंदगी में न शुक्री आई, सजा मिली, बरस का मरीज मरीज बन गया, सर के बालों से महरूम महरूम हो गया, माशी तंगी आ गई। तीसरे के पास गया, उसने कहा तूने सच कहा है, कुछ भी नहीं था मेरे पास, बड़ी तकलीफ और अजमाइश की जिंदगी गुजर रही थी, अंधा था, जिंदगी के दिन ठोकरों से गुजर रहे थे, अल्लाह का करम हुआ,
उस मौला ने बड़ी मेहरबानी फरमा दी, मेरे औकात से मुझे ज्यादा दे रखा है, अब तो जी चाहता है जो कुछ है बस उसकी शुक्रगुजारी में लग जाए, उसी के लिए है सब। सलात व सलाम ने फरमाया, उस फरिश्ते ने और दुआ दी, अल्लाह तेरे रिस्क में और बरकत दे दे, इम्तिहान में पास हो गए, नेमतें महफूज भी हो गई, बढ़ भी गई। अल्लाह के नबी ने यह पैगाम अपनी उम्मत को सुनाया है, देखो भाई नेमतें बचानी है, नेमतों का लुत्फ लेना है, जिंदगी के मजे उठाने हैं, जिस जात ने दिए हैं ना उसे भूलो नहीं, दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते, दिन बदलने में, हालात बदलने में देर कोई नहीं लगती, शुक्र करो उस जात का, दिल शुक्र से भरा रहे, मौला आपने मुझे मेरी औकात से ज्यादा दे रखा है, लाखों करोड़ों से अच्छी सेहत है, अंधे नहीं बिनाई, गूंगे नहीं गुयाई, समात है गुयाई है, अकल है दानिश है, अगर कुछ माली लिहाज से कमी भी तो है तो जिस्म में रखी करोड़ों खरबों की नेमतों की कोई कीमत है? सेहत की नेमत ये तो माल की नेमत से भी बढ़िया है। नेमतों पे नजर जाए और उस मौला का दिल से शुक्र हो, यकीन जानिए अल्लाह की नेमतों का इस्तेजार ध्यान नसीब हो जाए दिलो जबान से, मोहब्बत बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी, अल्लाह करीम की मार्फत नसीब होगी और उसकी चाहत पूरा करने में मजा आएगा, उसकी चाहत पूरा करने में मजा आएगा। दुनिया में कोई मोहसिन आप पे एहसानात करे और दिलो जबान से आपके दिल में उसका एहसानात का इस्तेहजार और ध्यान हो, तज़किरे हो, तो मोहब्बत बढ़ती है, दिल उसकी तरफ खींचता है, दिल उसकी तरफ खींचता है, मोहब्बत बढ़ती है और जी चाहता है कुछ कहे मैं भी इसकी खिदमत करूं, कोई मौका दे मैं भी इसको खुश कर दूं। ये एहसान शनासी चीज ही ऐसी है, ये शुक्र गुजारी चीज ही ऐसी है, अगर दिलो जबान से ये अंदर नसीब हो जाए अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है, फिर उसकी मोहब्बत में उसकी नेमतों में रहकर उसे राजी करना आसान हो जाता है। बड़ी एहसान फरामोशी है और ये बड़ी नाशुक्री है, बड़ी एहसान फरामोशी और नाशुक्री है, जो जात नेमते दे उसी जात की नेमतों में उसे नाराज किया जाए, बड़ी एहसान फरामोशी, बड़ी नाशुक्री है। हमारे घरों का मुलाजिम हमारी तनख्वाह से हमारे मुकाबले में खड़ा हो जाए, हमारे दस्तरखान पे खाइए और पिए और पहने और हमारे मुकाबले पे आ जाए, क्या कहेंगे? एहसान फरामोश नहीं कहेंगे, सख्त जुमला कहेंगे, बड़ा नमक हराम है, सख्त जुमला कहेंगे, एहसान फरामोश नहीं, बड़ा नमक हमारा हराम है, खाता यहां से, जिंदगी की सारी जरूरियात सहूलत यहां से और काम मेरे दुश्मन के। कोई मोहसिन हकीकी के नेमते खाए पिए पहने, जिंदगी के माहो साल इन नेमतों से फायदा उठाए और फिर उन नेमतों में उसकी नाफरमानी, ये एहसान फरामोशी, फिर सजा आएगी, फिर सजा आएगी, फिर सजा आएगी, मायूसी आएगी, डिप्रेशन होगा, खौफ ज्यादा रहेगा, खौफ ज्यादा रहेगा, बेसुकूनी रहेगी, फिर आएगी सजा, ना शुक्री की सजा है। और शैतान ने ये कह रखा है कि जिस शख्स की जिंदगी पे मेरे असरात होते, जिस शख्स की जिंदगी पे मेरे असरात होते हैं उसकी जिंदगी में नाशुक्री होती, उसकी जिंदगी में नाशुक्री होती। तो मेरे अजीजो बढ़िया इबादत है और बड़े मजे की इबादत है, दुनिया आखिरत के नफे हैं, जिंदगी का सफर खुशगवार और कल अल्लाह की मोहब्बत में जिंदगी का कामयाब, जिंदगी का इनाम। इबादत शुक्र, दिल से शुक्र, जबान से शुक्र, उसकी नेमतों में उसकी रजा वाली जिंदगी। घरों में बच्चों को इस पे लेके आए, घरों में औरतों को बच्चियों को इस जिंदगी पे लेके आए और जिंदगी का लुत्फ उठाए। अल्लाह हम सब को शुक्र वाली जिंदगी नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।